हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेड ट्रेटवेट्रॉनिक्स चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं जैसे कि अपना क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की सीरीज चल चलते उसके अंदर गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आज ही आया मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट काफी अल्टीमेट देखने को मिला है यहाँ से कैसी रहेगी रिजल्ट की तेजी और कैसा रहा रिजल्ट का आउटकम और शेयर यहाँ से कितना मूवमेंट करेगा उसके बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल अक को बजाना बिल्कुल ना भूलिए तो देखिए बेसिकली गुजरात गवर्नमेंट के साथ जॉइंटली वेंचर के साथ एक कंपनी काम करती है कंपनी शॉर्ट की है जी एन ए जी एन एफ सी जी एन एफ सी के नाम से कंपनी पढ़ चले तो आपको बी एस सी एन एस सी पर जी एन एफ सी के नाम से मिल जाएगी वैसे इसका नाम पूरा है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड तो कंपनी के नाम से ही समझ आ रहा है कंपनी का काम किस कंपनी फर्टिलाइजर में केमिकल्स में जी एस आर में और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली कंपनी चार सेगमेंट के अंदर बाकी फर्टिलाइजर और केमिकल सिगमेंट के अंदर ज़्यादा कंपनी है और कंपनी के अंदर गिरावट की वजह भी बताऊँगा अभी थोड़ी देर में तो फर्टिलाइजर के अंदर केमिकल्स इंडस्ट्री के अंदर कंपनी का मेनली वेंचर किसमें है फर्टीलाइजर और केमिकल्स के अंदर है तो चलिए चलते हैं इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है उसके बारे में बात करते हैं देखिए इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आज ही आया है ठीक देखे, है देखेंगे आप आज की डेट में इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया तो रिजल्ट कैसा रहा उसकी पूरी बात करेंगे अभी तो रिजल्ट आने के बाद इसमें आउटकम जो निकल के आया उसका रिजल्ट का पूरा देखेंगे कितना कैसा आउटकम रहा प्लीज़ वीडियो का पूरा देखिए वीडियो को लाइक करना ना बोले देखिए आज के दिन इसका कॉटर थी रिजल्ट आया था रिजल्ट मार्केट बंद होने के बाद आया तो इसकी अन्य जो है वो करोर्स में है तो चलिए हम स्कैनर्स के ऊपर चलते सीधा स्कैनर से कंपेरिजन करते हैं देखिए मैं पूरा एनालाइज करके नहीं दे रहा हूँ आपको ओवर दे रहा हूँ डीप एनालाइज करने में टाइम लगता है मेरा मानना है कि ओवर से आपको इतना समझ आता है कंपनी का रिजल्ट कैसा है यहाँ से हमारी ट्रेडिंग सीजन कैसे रहता है उसका आउटकम निकालते हैं क्योंकि सात से दस से पंद्रह मिनट की वीडियो के अंदर आपको आउटकम निकाल के मोटा-मोटा ओवरव्यू -मोटा देना होता है उसमें सब चीज कंपैरिजन करनी पड़ती है चार्ट के अकॉर्डिंग भी और इनकम्स के अकॉर्डिंग में सब चीज कंपैरिजन करनी पड़ती है डीप एनालिसिस की कम से कम एक से डेढ़ घंटे की वीडियो आपके लिए बहुत लेंथी हो सकती है तो मैं तो बस मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि भाई आपका किसी तरह का कैपिटल लॉस ना हो तो चलिए चलते हैं इसका क्वार्टर 3 के रिजल्ट के अर्निंग्स समझते हैं तो देखिए गुजरात नर्मदा वैली एन फर्टिलाइज फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड आपको एन एस सी दोनों पर इसका मार्केट कैप है सात हज़ार सात सतहत्तर करोड़ रुपये का स्टॉक पी चल रहा है सिक्स पॉइंट इकसठ का स्टॉक आर ओ सी इसका चल रहा है सोलह परसेंट का बुक वैल्यू इसकी एक सौ 419 की है और रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ का टू ट्वेल्व पॉइंट थ्री परसेंट है डिविडेंड कंपनी ने अभी तक दिया 1.76 परसेंट और फेस वैल्यूज की दस रुपये की है देखिए कंप सबसे अच्छी बात की कंपनी ऑलमोस्ट कर्जा फिरी है कंपनी ने अपना कर्जा खत्म किया है और स्टॉक ट्रेड करा वन ऑफ बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग और कंपनी क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट रिजल्ट अच्छे देखिए कंपनी ने अपना कर्जा दिन देने के दिन है वो कम किए सत्तर से घटा के छत्तीसगढ़ ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है बस कंपनी की ग्रोथ सेल ग्रोथ और उसमें कमी देखने को मिली है और बाकी है और किसी चीज़ में कमी नहीं कम कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है सिगमेंट के साथ दिख रहा है जिस तरह से अब देखिए इसके अंदर चलते हैं तो देखिए जो इसकी इस बार की सेल है यानी क्वार्टर थ्री की देखिए इस क्वार्टर की सेल है दो हज़ार तीन सौ अस्सी करोड़ रुपएगी इसका रि एक्सपेंस हुआ इस क्वार्टर में एक हज़ार सात सौ करोड़ रुपए का ऑपरेशन प्रॉफिट आया इसका छः सौ चौहत्तर करोड़ रुपएगा और इसको अदर इनकम आई है अड़तालीस करोड़ रुपए की देखेंगे इसके सेल में देखेंगे आप इसका अभी तक का लाइफ टाइम का सेल हाईएस्ट का देखिए आप समझ सकते हैं देखिए मार्च 2019 से कंपेरिजन करेंगे जब सेल एक कर, करोड़ थी वो देखिए अभी तक के सबसे हाईएस्ट सेल है 2380 करोड़ तो हाईएस्ट सेल है सबसे अच्छी बात तो ये है और सेकेंडली अभी तक का प्रॉफिट भी अभी तक का हाईएस्ट है देखने को मिला ऑपरेशन अब इसका नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो पाँच करोड़ रुपए का ये भी हाइस्ट है तो देखेंगे अभी तक 2019 से लेकर अभी तक इसमें हाईएस्ट ऑप नेट प्रॉफिट नहीं देखने को मिला था हमें पाँच सौ अड़तीस करोड़ रुपयेगा और ई भी अभी तक का हाइस्ट देखने को मिला देखिए आप चौंतीस तो आप देखेंगे हाईएस्ट बनाया इस क्वार्टर ने इसने अभी तक अपना हाईएस्ट बना के दिखा रहा हमारे को अब नेक्स्ट लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे क्वार्टर टू के अंदर देखिए सेल थी दो हज़ार छियानवे करोड़ रुपए बढ़ की बढ़ी हुई दो हज़ार तीन सौ अस्सी करोड़ रुपयेगी ऑपरेशन प्रॉफिट था चार सौ इकतीस करोड़ वो बढ़ के हुआ छः सौ चौहत्तर करोड़ रुपएगा अदर इनकम में कमी देखने को मिली अट्ठावन करोड़ से अड़तालीस करोड़ हुआ है और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफ़िट दो करोड़ से बढ़ के हुआ है तीन पाँच करोड़ और ई पी हमारा 18.16 से बढ़ के चौंतीस पॉइंट चौसठ हुआ है ई में दो गुना ग्रोथ देखने को मिली है देखिए ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है हमें ई में भी नेट सेल में भी और ऑपरेशन प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट के अंदर भी तो मेन क्या है कि बस सेल में थोड़ा सा इजाफा बाकी ऑपरेशन प्रॉफिट दो गुना देखने को मिला है और नेट प्रॉफिट भी दो गुना देखने को मिला है और ई में हमें दो गुना देखने को मिल रहा है अब चलते ईयर रे वाई कंपेरिजन करेंगे लास्ट ईयर सेल में देखिए लास्ट ईयर सेल थी हमारी एक हज़ार पाँच सौ आठ करोड़ रुपये की वो बढ़ के हुई है दो हज़ार तीन सौ अस्सी करोड़ रुपये की एक्सपेंस था हमारा एक हज़ार एक सौ पैंतालीस करोड़ वो बढ़ के हुआ है एक हज़ार सात सौ छः करोड़ और ऑपरेशन प्रॉफिट था हमारा तीन सौ तिरसठ करोड़ वो बढ़ के हुआ छः सौ चौहत्तर करोड़ यानी फिफ्टी परसेंट की ग्रोथ देखने को मिली हमारे को अब देखेंगे हम ऑपरेशन प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की बात करेंगे देखिए 240 से बढ़ के सीधा ऑपरेशन प्रॉफिट है 538 करोड़ तो ऑपरेशन प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है और ये डॉ फिफ्टी परसेंट ग्रोथ देखने को मिली है हमारे को ईपीएस हमारा पंद्रह पॉइंट पैंतालीस से बढ़ के चौतीस पॉइंट चौसठ हो गया ये भी बहुत बड़ा बड़ा देखने को मिली हमें यानी डबल देख सत्तर परसेंट ग्रोथ देखने को मिली हमें ई में और नेट प्रॉफिट के अंदर तो मोरऑल द स्टोरी है कि जैसे क्वार्टर थ्री का रिजल्ट बहुत अल्टीमेट है अभी तक हाइस्ट रिजल्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ से तेज़ी देखने को बरकरार देखने को मिलेगी तेज़ी की वजह से क्वार्टर थ्री के, के रिजल्ट की अर्निंग के साथ साथ जो उसने प्रॉफिट अर्न किया नेट प्रॉफिट और ई में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो अल्टीमेट ही है चलिए चलते हैं इसके अंदर और क्या है तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं इस क्वार्टर की कैसी रही है देखिए इस क्वार्टर में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग सेम है इकतालीस पॉइंट अट्ठारह परसेंट और एफ आई एस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है देख सकते हैं एफ आई सी ने बहुत ही मात्रा में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है देख सकते हैं आप तेरह पॉइंट पचहत्तर से बढ़ के एफ आई एस की होल्डिंग सत्रह पॉइंट सत्ताइस हो गई है और डी आई सी की होल्डिंग सेवन पॉइंट थर्टी वन से घट के सिक्स पॉइंट सिक्सटी वन हो गई पब्लिक की होल्डिंग चौंतीस पॉइंट तिरानवे हो चुकी है इस टाइम पे तो बहुत अल्टीमेट देखने को मिल रहा है हमारे को सभी चीज़ें तो ये बहुत अच्छी बात है कि अल्टीमेट हमारे को सब चीज़ें अब ट्रेंड में देखने को मिल रही है सारी चीज़ें और रिजल्ट भी अच्छा कंपनी भी अच्छी फंडामेंटल भी है और ज्वाइंटली काम करती है गुजरात गवर्नमेंट के साथ तो आधी गवर्नमेंट कह सकते हैं हम इसको और कंपनी कर्जा मुफ्त सबसे अच्छी बात है कंपनी का बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है और ट्रेड भी इस टाइम पर काफ़ी अच्छा कर रहा तो देखते हैं आज के दिन में इसका ट्रेडिंग कैसा रहा वो देखते हैं तो देखिए आज के दिन ये ढाई परसेंट मोटा मौट, मोटा दो पॉइंट चौरासी परसेंट गिरावट के साथ बंद हुआ क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही और बाकी जो इसमें गिरावट थी निफ्टी के साथ ये ट्रेड करता निफ्टी गिर रही थी इस वजह से ये भी गिर रहा था कंपनी काफ़ी नाइनटीन सेवनटी सिक्स कंपनी रजिस्टर्ड है देखिए ओपन होता सात चार सौ सत्तर पे बीस पैसे पे हाई मारा चार सौ छिहत्तर पे पच्चीस पैसे का लो मारा चार सौ तिरपन पे पचास पैसे का फिफ्टी टू हाई है यहाँ पे पाँच सौ 20 रुपये बीस पैसे का फिफ्टी टू लो दो सौ बाईस रुपये का पाँच दिन के अंदर इसने हमें माइनस में पाँच परसेंट रिटर्न दिया अभी तक हमारे को वन मंथ के अंदर इसने डेढ़ परसेंट रिटर्न दिया माइनस में सिक्स मंथ के अंदर तेईस परसेंट रिटर्न दिया पॉजिटिव में ईयर टू डेट के अंदर इसने अभी तक हमारे को ढाई परसेंट रिटर्न दिया पॉजिटिव में तो रिजल्ट तो काफी अच्छा रिजल्ट का इंपैक्ट आप देखने को मिला क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं एक मंथ से गिरावट देखने को मिली हमारे को शेयर के अंदर अब यहाँ से कितनी तेजी देखने को मिलेगी वो देखते हैं तो देखिए मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर डेली चार्ट पे जो आज गिरा है तो यहाँ पे एक सपोर्ट लगा हुआ चार सौ तिरालीस रुपये देखिए अब तो मुझे लगता है यहाँ से गिरेगा यहाँ से वापस ट्रेंड रिवर्सल होगा और मुझे लगता है जल्दी ये आपको पाँच तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्योंकि एक हडल बना हुआ है यहाँ पे चार का जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो था पाँच तक के लेवल आपको जल्दी देखने को मिलेंगे अगर आपके पास है तो होल्ड रखे रिजल्ट काफ़ी अल्टीमेट है और शेयर का मूवमेंट भी चेंज होगा कल के दिन मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा तो इसमें मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा गिरावट के डाउनफॉल सारे खत्म हो रिजल्ट का देखने को मिलेगा तो जल्दी ये 500 के लेवल भी आपको दिखा देगा क्योंकि रिजल्ट बहुत अल्टीमेट देखने को मिले और रिजल्ट आउट परफॉर्मिंग्स देखने को मिले लाइस्ट अभी तक का हाइस्ट रिजल्ट देखने को मिला है गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर के अंदर तो यहाँ से हम यहाँ से तेजी देखने को मिलेगा यहाँ से एक एक हडल लग रहा है चार सौ तिरासी पर जैसे वो ब्रेक करेगा तो पाँच सौ के लेवल भी जल्दी ब्रेक करेगा पंद्रह से बीस दिन में आपको पाँच सौ तक के लेवल में ट्रेड करता नज़र आएगा शेयर यहाँ से तेज़ी धमखम दिखाएगा आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल फूल है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो